अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसीबतों का बार बार आना अल्लाह की तरफ से इशारा है। जब तुम ये देखो कि खुदा तुम पर मुसलसल बला नाजिल कर रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें बेदार कर रहा है। गुर्बत को खत्म करने का तरीका, जिसने म्याना रवि का साथ एख्तियार किया तो दौलत व इमारत हमेशा इसके साथ रहेगी और म्याना रवि इसकी गुर्बत को खत्म कर देगी। अच्छा इखलाक इबादत की मानंद है। अच्छे इखलाक वाला नमाजी रोजादार के बराबर है। आदमी का वजन उसकी अकल है। गुनाहों से बचना आला इखलाक की बेहतरीन अलामत। तकवा इखलाक का बादशाह है। अकलमंदी और हिमाकत की अलामत इबरत हासिल करना बेहतरीन दानिशमंदी है और सबसे अफजल दूरअंदेशी पश्त पना का इंतजाम है और सबसे बड़ी हिमाकत फरेब खोरी है। मुअज्जिज़ बनने का तरीका, अगर तुम्हें इज्जत की ख्वाहिश है तो महरमात से इज्तिनाब करो। इबरतों के जरिए नसीहत, अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो उसकी नसीहत इबरतों के जरिए करता है। अमानतदारी का इखलास इबादत से ताल्लुक, जिसके जाहिर व बातिन और कौल व फाल में इख्तलाफ ना हो तो गोया इसने अमानतदारी का लिहाज रखा और इबादत में इखलास पैदा कर लिया। दूसरों की चीजों पर हर्ष ना करना खुश नसीबी है। खुश नसीब है वो जो इस चीज को हकीर समझता है जो इसके पास नहीं है।